आज के वीडियो में हम रूलर एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया विषय पर अपना अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत मैंने पहला टॉपिक लिया है कि स्वतंत्रता के उपरांत भारतीय ग्रामीण व्यवस्था का रूपांतर, आफ्टर इंडिपेंडेंट रूरल सोसाइटी ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। तो सबसे पहले हमको ये देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ क्या होता है। इसके बाद हम आएंगे कि भारतीय ग्रामीण व्यवस्था में परिवर्तन किस प्रकार से प्रारंभ हुआ। उसमें हमें ये देखना हुआ कि उपनिवेश काल में, जबकि स्वतंत्रता के पूर्व ग्रामीण व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, और स्वतंत्रता के बाद उसमें किस प्रकार से परिवर्तन या रूपांतर हो रहा है, जो अभी तक हमें दिखाई देता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से पता चलता है कि विषय आपको पूरी तरह से समझ में आया है कि नहीं आया है, कहीं किसी प्रकार की गलती तो नहीं रह गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है परिवर्तन, बदलाव, या उसे हम रूपांतर कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इज आल्सो ए परमानेंट चेंज, या हम कह सकते हैं द एक्ट ऑफ चेंजिंग इन फॉर्म ऑफ से और एस्पिरेशन। किसी चीज में जो वस्तु पहले जिस प्रकार की थी और बाद में उसमें किस प्रकार से परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन को ही ट्रांसफॉर्मेशन या हमें रूपांतर कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हिंदी में हम इसे कह सकते हैं कि परिवर्तन या कायापलट, अर्थात कोई वस्तु या स्थान पहले जैसा दिखता था उसमें पूरी तरह परिवर्तन आना ही बदलाव या उसका रूपांतर कहा जाता है। तो भारतीय ग्रामीण व्यवस्था में परिवर्तन, पहला जो टॉपिक है हम उसमें देखेंगे कि भारतीय ग्रामीण व्यवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन दृष्टिपट हमें हो रहा है। तो प्राचीन काल से हम देखते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, जिसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर रही है। आज भी लगभग 68% जनसंख्या गाँव में ही निवास करती है, जो मूल रूप से कृषि एवं उससे संबंधित व्यवसाय से जुड़ी हुई रहती है। उनके जीवन निर्वाह का मुख्य आधार जो है आज भी कृषि ही है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि ही है। तो अब हमें देखना है, जैसा हम देख रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद, तो स्वतंत्रता के पहले कैसी स्थिति थी जब ब्रिटिश शासन यहाँ पर शासन कर रहा था। तो उपनिवेश काल में हम देखते हैं कि अंग्रेजी शासन काल में कृषि को भारी धक्का लगा। ब्रिटिश शासकों ने कृषि विकास की प्रक्रिया को आर्थिक उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बना दिया। माना उनका जो उद्देश्य था वो उपनिवेश के द्वारा अधिक से अधिक ब्रिटिश शासन को लाभ पहुंचाना था। तो ब्रिटिश शासकों का उद्देश्य कंपनी के लिए अधिक से अधिक लाभ अर्जन करना रहा, जिसके लिए उन्होंने जमींदारी एवं रैयतवाड़ी व्यवस्था का संचालन किया। इन दोनों व्यवस्थाओं के माध्यम से कृषि पर इतना अधिक कर लाभ दिया गया कि समान कृषक के पास कर देने के बाद जो कुछ बचता था वह केवल इतना रहता था कि वो अपने परिवार का पेट किसी तरह से भर सकता था। इस तरह ब्रिटिश शासन की शोषण एवं अत्याचारपूर्ण कृषि नीति ने भारतीय कृषि को जर्जरित एवं दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कृषि की स्थिति जो थी, मीन्स ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति, बहुत ही दयनीय थी। तो स्वतंत्र भारत में कृषि व्यवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, इसे हमें देखना होगा। तो देश की आज़ादी के उपरांत भारतीय राजनेताओं के मध्य ये प्रश्न बार बार उठाया जा रहा था कि हमें औद्योगिकरण की बजाय कृषि पर अधिक ध्यान देना होगा। मानियों का ये मानना था
कि इंडिया इज ए एग्रीकल्चर कंट्री एंड पॉवर्टी ऑफ दिस कंट्री कैन ओनली बी रिमूव व्हेन द एग्रीकल्चर इज रिमूव, कि जब तक हम कृषि व्यवस्था को नहीं बदलते हैं, उसका विकास नहीं कर सकते हैं, तो भारतीय ग्रामीण व्यवस्था का विकास संभव नहीं है। गांधी जी ने भी कहा था कि जब तक ग्रामों की सामाजिक आर्थिक दशाओं में सुधार नहीं किया जाता, तब तक भारत के विकास की कल्पना करना बेनामी है, क्योंकि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। श्री आर बी राव का भी मानना था कि यदि पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत विकास के विशाल पहाड़ को हमें लांघना है, तो कृषि के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करना आवश्यक होगा। तो इस तरह से ये निर्धारित हुआ कि कृषि विकास के द्वारा ही भारत का विकास संभव हो सकता है। अंतर्गत वह कृषि विकास को प्रथम स्थान मानकर कृषि की सफलता के लिए देश की आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रदान हो सके ये माना गया, और भारत की कृषि ही देश के उद्योग, व्यवसाय, विदेशी व्यापार तथा यातायात को क्या करती है, विकसित कर सकती है, क्योंकि ये सभी कृषि पर ही आश्रित हैं। परिणाम स्वरूप स्वतंत्र भारत ने अपनी विकास नीति में कृषि को पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत प्रथम स्थान दिया। इसके अंतर्गत प्रथम कार्यों के अंतर्गत हम देखते हैं जो सुधार किए गए उनमें सब में पहले ये माना गया कि कृषि कार्यों में हमें सुधार करना होगा। नवीन कृषि नीति को लागू करने के लिए संकल्प लिया गया ताकि भारत खाद्यान्न के मामलों में आत्मनिर्भर हो सके। इस कार्य को 1966-67 में आरंभ किया गया और इसी समय हम देखते हैं हरित क्रांति का आरंभ हुआ, और हरित क्रांति का उद्देश्य जो था वो यही था कि किसी भी तरीके से भारतीय कृषि को इतना आत्मनिर्भर बना दिया जाए ताकि हमें बाहर से खाद्यान्न बुलाना ही ना पड़े। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1966-67 में जो हरित क्रांति स्वामीनाथन के अगुवाई में आरंभ की गई, उससे भारतीय कृषि व्यवस्था को एक नया आयाम प्राप्त हुआ। अब हम देखेंगे कि हरित क्रांति के द्वारा भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, क्योंकि ये तो माना ही गया था कि जब तक कृषि को विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास संभव नहीं है। हरित क्रांति ने ग्रामीण अंचल में चमत्कारी परिवर्तन को दिशा प्रदान की। कृषि की प्रगति से कृषि कार्य में गुणात्मक सुधार हुए, जिसका से मुख्य रूप से इन दो सुधारों को जाता है। पहला, कृषि कार्य में आधुनिक तकनीकी का प्रयोग, और दूसरा भूमि सुधार। तो पहला, आधुनिक संसाधनों के प्रयोग कर देश में संचित एवं असंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संकर तथा बोने बीजों के उपयोग से उत्पादन में वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप उत्पादन बढ़ा। दूसरा, खाद्यान्न में देश को आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। तीसरा, गहन कृषि से छोटे भू स्वामियों को भी लाभ प्राप्त हुआ। चौथा जो था, आधुनिक कृषि उपकरण के उपयोग से मजदूरों की मांग में वृद्धि हुई, वे अन्य कार्यों की ओर आकर्षित हुए। कृषि सुधार के कारण आर्थिक स्थिति के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि आई। दूसरा, भूमि सुधार। कृषि सुधार बिल में पृष्ठभूमि में जमींदार एवं रैयतवाड़ी व्यवस्था को समाप्त कर भारत की ग्रामीण जनसंख्या को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया। इस तरह से सभी को संपत्ति अधिकार प्राप्त हुए, जिससे कृषक अपने खेत में किसी और के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए मेहनत करने लगे, जिससे उनमें आत्मसंचार का विकास हुआ, उनमें आत्मविश्वास का संचार हुआ।
इस तरह इन दोनों कानूनों के सहयोग एवं हरित क्रांति ने ग्रामीण क्षेत्र का रूप बदलना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे ग्राम्य व्यवस्था की सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन दिखाई देने लगा, जिसे इस प्रकार समझा जा सकता है। अब आते हैं अपने अंतिम पॉइंट पर, जिसमें हम देखते हैं कि हरित क्रांति के बाद भारतीय ग्रामीण व्यवस्था, जो कि पूर्व में स्वतंत्रता का पहले थी, उसमें बहुत मात्रा में हमें परिवर्तन दिखाई देता है और ये परिवर्तन अभी तक गतिशील है। तो पहला हम देखते हैं कि इस व्यवस्था के कारण व्यक्तियों के सामाजिक संरचना, सामाजिक संगठन में जो परिवर्तन हुआ, उससे संबंधों में जो परिवर्तन आया, उन्हीं संबंधों ने ग्रामीण व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। तो ये संबंधों में परिवर्तन क्यों आया? इसका पहला कारण जो था कि जब एग्रीकल्चर में नीति में परिवर्तन हुआ, तो उससे मजदूरों की जो संख्या थी, उन संख्या में बढ़ोतरी हुई, क्योंकि अब जो खेती होती थी वो गहन खेती के आधार पर कम जोत में भी अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता था, जिससे कि किसानों की स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई। अब बहुत से मजदूर जो थे वो दूसरी जगह जाकर काम करने लगे, और इस प्रकार से चूंकि बताएं हरित क्रांति हुई थी, उससे टेक्निकल उपकरणों का उपयोग होने लगा था, तो इन उपकरणों के रख रखाव एवं इनके सुधार साधन के लिए भी मजदूरों की आवश्यकता बढ़ने लगी। तो इस तरह से मजदूर जो थे वो खेती को छोड़कर अन्य कामों में भी लग गए। हरित क्रांति के बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना हुई वो ये हुई कि अभी तक जो पेमेंट होता था श्रमिकों को, वो कैश में नहीं होता था, बल्कि वस्तु विनिमय के आधार पर होता था, परंतु अब कैश में पेमेंट होने लगा। कैश में पेमेंट होने के कारण हम देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल संबंध थे मालिक और मजदूर के बीच में, उन संबंधों में क्या हो गया? परिवर्तन आया। अभी तक ये जो संबंध होते थे, उन संबंधों में यद्यपि जमींदार के द्वारा मजदूरों का शोषण भी किया जाता था, उनको संरक्षण भी दिया जाता था, किंतु अब हम इसलिए मजदूर जो थे वो उनको अपने माए बाप समझते थे, परंतु चूंकि अब कैश में पेमेंट होने लगा, आप काम करोगे उसके आधार पर आपको पैसा मिलेगा, और इससे क्या हो गया कि मजदूर और लैंडलॉर्ड के बीच में जो संबंध था वो उसमें परिवर्तन दिखाई दिया। अब मजदूर जो थे आत्मसम्मान और से अपना जीवन यापन करने लगे। दूसरी बात ये हुई कि फ्री वेज लेबर आ गया। फ्री वेज लेबर का अर्थ यहाँ होता है कि एक तो क्या हो गए कि वो लैंडलॉर्ड से पूरी तौर से मुक्त हो गए, अब काम करेंगे, किसी दूसरे के यहाँ काम करेंगे। पहले जमींदार के यहाँ उन लोग पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते थे, एक परिवार के बाद उनका जो दूसरा परिवार होता था वो भी उनके यहाँ काम करता था, परंतु अब ऐसा नहीं था। अब व्यक्ति फ्री हो गया, वो जहाँ चाहता था वहाँ जाकर काम कर सकता था। तो इससे हम देखते हैं कि जो लोग संबंध थे, एक परंपरात्मक संबंध जो थे, उनमें परिवर्तन दिखाई दिया। दूसरी बात ये हुई कि हम देखते हैं कि ये जो अभी तक खेती होती थी, उस खेती में इतना ही उत्पादन होता था कि अपने क्षेत्र का और आजू बाजू के क्षेत्रों का जो है पैदावार के द्वारा भरण पोषण हो सके, किंतु अब चूंकि मशीनीकरण हो गया, नए नए उपकरण आ गए, इस कारण हम देखते हैं कि खेती भी जो थी अब उसका व्यवसायीकरण होने लगा। अब जो किसान थे वो बाजार की मांग के अनुसार क्या करने लगे? खेती करने लगे। अब उपज जो थी वो अपने राज्य से दूसरे राज्यों में जाने लगी, क्योंकि यहाँ पर जो व्यवस्था की थी उसके आधार पर, उपनिवेश व्यवस्था के आधार पर, चूंकि अंग्रेजों का उद्देश्य जो था वो भारत के द्वारा अधिक से अधिक लाभ अर्जन करना था, इसलिए उन्होंने भारत में आधुनिकरण किया, रोड बनवाई, रेल बनवाई, डाक व्यवस्था की, ताकि उनका जो उद्योग था वो क्या हो, फल फूल सके। तो इसलिए ना चाहते हुए भी, अनजाने में,
भारत में आधुनिकीकरण की शुरुआत उपनिवेशवाद से ही हो गई थी और इस व्यवस्था को स्वतंत्र भारत ने और आगे बढ़ाया, जिससे वस्तु जो थी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के उपरांत जो व्यवस्था आई उसमें जो ग्रामीण क्षेत्र का कायापलट हुआ उसका मुख्य आधार ये था कि अब कैपिटल एग्रीकल्चर हो गया। योग एग्रीकल्चर केवल भरण पोषण के लिए, जीवन निर्वाह के लिए होता था, अब हमें इसमें परिवर्तन दिखाई देता है। अब क्या हुआ, बाजारवाद हो आ गया। उत्पादन जो था वो उसका आधार जो था, उसका जो लक्ष्य था जमींदार का या बड़े किसानों का, उनका उद्देश्य था कि अधिक से अधिक पैसा कमाया जाए और इस प्रकार से कैपिटल खेती को बढ़ावा मिला। यद्यपि हरित क्रांति से ये बात हुई कि जो बड़े किसान थे उनको ज़्यादा फायदा हुआ और जो छोटे मझोले किसान थे उनको उतना अधिक लाभ नहीं हो सका। तो कैपिटल मोड्स ऑफ प्रोटेक्शन के द्वारा हम देखते हैं कि किसान की जगह अब क्या आ गए, मशीन आ गई। तो ये भी एक फ्री वेज था कि एक बार यदि आपने मशीन खरीद ली तो अब उसे कुछ काफ़ी समय तक 5-6 साल तक बिना किसी प्रकार का पैसा खर्च किए उससे आप क्या कर सकते थे, उपयोग कर सकते थे। तो इस प्रकार से किसान की जगह, व्यक्ति की जगह मशीन का उपयोग किया जाने लगा। इससे क्या हुई, पैदावार भी बढ़ी, बाजार का जो क्षेत्र था वो अब राष्ट्र से हटकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगा, क्योंकि जैसा हमने देखा कि उपनिवेशवाद में जो व्यवस्था थी उनने अपने उद्देश्य के लिए तो आधुनिकीकरण भारत का किया था, किंतु इसका फायदा स्वतंत्र भारत को मिला और भारत सरकार ने भी इस ओर अधिक ध्यान दिया। और इस प्रकार से हम देखते हैं लाइट की व्यवस्था, इसी प्रकार से खाद की व्यवस्था, फर्टिलाइजर की व्यवस्था, ये व्यवस्था की तरफ सरकार ने अधिक ध्यान दिया, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में भी आधुनिक उपयोगों का, उपकरणों का उपयोग जनसाधारण करने लगा। तो इस प्रकार से स्वतंत्र भारत में जो व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र में हुई, कृषि की उत्पादन व्यवस्था को, कृषि व्यवस्था में परिवर्तन के कारण उससे नई नई अपॉर्चुनिटी लोगों को मिली। जब गांव में अधिक पैसा आने लगा, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई, तो उन लोगों ने, गांव के जो पैसे वाले लोग थे जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई थी, उन लोगों ने अपने बच्चों को बाहर भेजकर शिक्षा देना आरम्भ किया, नए नए हॉस्पिटलों का निर्माण किया गया। और जो ग्रामीण क्षेत्र बड़े शहरों के पास थे जैसे बम्बई, कैलकटा, इनका शहरीकरण आरंभ हो गया। और इस शहरीकरण का फायदा इधर के लोगों को हुआ, उन्होंने अपने बच्चों को बाहर कंपनियों में जाकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे हम देखते हैं कि ग्रामीण जो रिलेशन थे, जो अभी तक जजमानी व्यवस्था और जाति व्यवस्था के अंदर इन लोग बंधे हुए थे, इसमें हम देखते हैं परिवर्तन आया। तो 19वीं शताब्दी के बाद हम देखते हैं कि जो परिवर्तन एक व्यापारिक क्षेत्र में आया, आर्थिक कृषि की व्यवस्था में परिवर्तन से आया, उससे भारत की आर्थिक स्थिति, किसानों की आर्थिक स्थिति तो अच्छी हुई ही, साथ ही साथ भारत की आर्थिक स्थिति में भी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार से बहुत तेजी के साथ आप स्वतंत्रता के बाद भारत की जो उपज व्यवस्था थी उसमें हम मॉडर्नाइजेशन देखते हैं। रूरल इकोनॉमिक जो थी उसमें एक प्रकार की दृढ़ता आ गई और अब किसान केवल मौसम के ऊपर निर्धारित होकर अपनी खेती नहीं करते थे, अब नए यंत्रों के द्वारा वो अपनी खेती को आगे बढ़ा सकते थे, उनको एक खेती में सुरक्षा प्राप्त हुई। सरकार ने इस ओर अधिक ध्यान दिया और हम देखते हैं कि नई नई दीनदयाल उपाध्याय योजना, ग्राम योजना के अंतर्गत जगह जगह लाइट की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था की गई ताकि खेती में पंपों के द्वारा अधिक से अधिक सिंचाई की जा सके। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंट भारत में जो स्थिति उत्पन्न हुई, उस स्थिति ने जो पंचवर्षीय योजना में कृषि को महत्व दिया गया, उसने धीरे धीरे संपूर्ण भारत की जो
पिक्चर थी जो उसकी एक कायाकल्प थी उसको बदलने में अपना योगदान दिया। किंतु एक बार यहाँ ध्यान देने योग्य है कि गाँव में महिलाओं की स्थिति में हमें परिवर्तन दिखाई देता है। स्वतंत्रता के पूर्व खेती के काम में महिलाएं अधिक योगदान देती थी, इसलिए उनकी स्थिति परिवार में जो होती थी सुदृढ़ होती थी। किंतु अब महिलाएं इस क्षेत्र से क्या हो गई, धीरे धीरे अलग हो गई, तो उनकी स्थिति जो थी परिवार में उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह गई। साथ ही साथ संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवारों ने क्या किया, स्थान स्थापित कर लिया। तो इस प्रकार हरित क्रांति के बाद भारत के ग्रामीण व्यवस्था में जो रूपांतर हुआ, जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो हमें आज तक दिखाई देता है। और इसी बेस पर हम देखते हैं यातायात और भारत की अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड व्यवस्था जो है वो उसके ऊपर क्या होती है, आधारित दिखाई देती है।